प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन सिंह है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रख्यात लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार श्री काशीनाथ सिंह जी की लिखी एक पुस्तक, काशी का 80 की पुस्तक समीक्षा। काशीनाथ सिंह जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को बनारस जिले के जियनपुर गांव में हुआ था। आरंभिक शिक्षा गांव के पास के विद्यालयों में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया उन्होंने और फिर वहीं से पीएचडी भी किया। उनकी लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियों में काशी का 80, रेहन पर रघु, महुआ चरित, उपसंहार, याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए इत्यादि हैं। काशी का 80 बनारस के 80 घाट और 80 मोहल्ले से जुड़ी 5 प्रतिनिधि कहानियों का एक संकलन है और निश्चित रूप से यह कहानियों के संस्मरण है। इनको सिर्फ कहानियां हम नहीं कह सकते, यद्यपि ये कहानियों के संस्मरण है क्योंकि लेखक ने इसको संस्मरण का पुट देते हुए अपनी इस उपन्यास को उन्होंने रचा है। कहानियों का संदर्भ 1990 के दशक की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सटीक है। 90 के दशक में भारतीय समाज और राजनीति का समुद्र मंथन चल रहा है। जेपी आंदोलन, मंडल कमंडल की राजनीति समूचे देश की राजनीति पर ऐसा असर छोड़ गई जिसपे दशकों तक मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे चर्चित नेता राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस उपन्यास के छपने से पहले ही इस उपन्यास के कुछ अंश कथा रिपोर्टाज के नाम से हंस पत्रिका में छपे थे। उस समय हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव हुआ करते थे, तो उसकी बहुत चर्चा हुई उस वक्त पे और लोगों ने पत्रिका लेने की जैसे होर मचा दी और अंत में जब पत्रिका कम पड़ गई तो लोगों ने फोटोस्टेट तक करा डाले। बहुत सारे लोगों ने फोटोस्टेट करवा के उसको पढ़ा, लेकिन फिर भी इसके पीछे कुछ ना कुछ वाद विवाद चलता रहा। साथ ही साथ इसमें अश्लीलता होने के गंभीर आरोप भी लगे। काशीनाथ सिंह जी ने सफाई भी दी इसको लेकर। बकौल काशीनाथ, गालियाँ काशी का एक अंदाज है, इस नगर की जवान है, और बल्कि ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्हें आप गालियाँ न दें तो वो समझते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं। और इस पुस्तक के प्रारंभ होने से पहले भी प्रस्तावना के तौर पर काशीनाथ सिंह जी ने राजेंद्र यादव जी को धन्यवाद दिया है, और उसका कारण शायद यही संदर्भ रहा हो कि राजेंद्र यादव को उनके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा हो। इन्होंने लिखा है हंस संपादक राजेंद्र यादव के लिए, जिन्होंने जाने कितनों कितनों और कैसो कैसो के बोल सहे मेरी खातिर। मतलब ये पुस्तक उन्होंने राजेंद्र यादव जी को समर्पित किया है। दोस्तों, रेहन पर रघु भी मेरे पास अभी है इस वक्त, तो अगले वीडियो में मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि इस साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत रेहन पर रघु, जो मेरी भी बहुत पसंदीदा किताब है, इसका पुस्तक समीक्षा में लेके आऊं। परंतु साथ साथ काशी का 80 भी बहुत ही अच्छी किताब है। तो आगे बढ़ते हैं और बेहद फक्कर और बनारसी बोलचाल की भाषा में कुल 5 कहानियां हैं इस उपन्यास में, जिनके शीर्षक हैं देख तमाशा लकड़ी का, ये पहली कहानी है। संतों घर में झगड़ा भारी, ये दूसरी कहानी का शीर्षक है। संतों असंतों और घोंघा बसंतों का 80, ये तीसरी कहानी का शीर्षक है। पाड़े कौन कुमती तोहे लागी, ये चौथी कहानी का शीर्षक है। और अंत में जो कहानी है उसका शीर्षक है कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा देसी प्रारूप में लिखने की कोशिश की गई है। इसका जो ढांचा है वो बहुत ही बोलचाल और रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है इस पूरे साहित्य का। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी हर कहानी समाज अथवा राजनीति के किसी भी पहलू पर कटाक्ष करती हुई अवश्य नजर आएगी आपको। चूँकि यह संस्मरण है तो मतलब इसमें यथार्थ का पुट थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके पात्रों की, तो कुछ पात्र लगभग हर कहानी में मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने चरित्र की छाप भी छोड़ते हैं। इनमें प्रधान हैं गया सिंह, तन्नी गुरु, रामजी राय, और पूरा व्याख्यान प्रत्यक्षदर्शी की तरह सुनाते स्वयं काशीनाथ सिंह जी। इसी मोहल्ले की चाय की दुकान को धुरी बनाकर सभी कहानियाँ इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं।
भाषा काशी की है, न संपूर्ण हिंदी, न ही गंदगी रहित, तो साधारण तौर पर कहें तो रोजमर्रा किसी भाषा रही है इसकी जो आमतौर पर काशी की पहचान रही है। और दोस्तों, काशी के बारे में आप लोगों को क्या बताना, हमारी एक बहुत पुरानी नगरी है काशी। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई इसको बनारस कहता है, कोई इसको वाराणसी कहते हैं, कोई महादेव की नगरी कहते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, आप अगर वहाँ पे गए हैं और आप ख़ास तौर पर 80 घाट पे गए हुए हैं, तो आप अपनी यादों को हमसे अवश्य साझा करें। मैं भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा जब मैंने अपना बहुत सारा वक्त काशी घाट पर बिताया था। और बनारस के सबसे पसंदीदा घाटों में से एक घाट है और वो है 80 घाट। 80 घाट दोस्तों काशी मतलब बनारस का 80वां घाट है। बनारस में कुल घाट हैं जो शुरू से अंत तक बहुत सारे घाट हैं। काशी के बाद भी अब कुछ घाट बन गए हैं, परंतु वो उतने प्रचलित नहीं हैं जितना 80 घाट प्रचलित हैं। वैसे घाटों में मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है और बहुत सारे ऐसे घाट हैं जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। परंतु 80 घाट का सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही खुला हुआ घाट है और यहाँ पे आप घंटों बैठ सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों का यहाँ पे शूटिंग हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, आप एक बार वहाँ पे अवश्य जाएं। तो उससे उसके बाद आपको थोड़ा सा इस पुस्तक से ज़्यादा जुड़ाव महसूस होगा। धक्के देना और धक्के खाना, जलील करना और जलील होना, गालियाँ देना और गालियाँ पाना, 80 की नागरिकता के मौलिक अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं इस पुस्तक में। इसी हेतु लेखक पहली कहानी में पहले ही चेता देता है और वो लिखते हैं यहाँ पे, जो पहली कहानी है देख तमाशा लकड़ी का, उसमें शुरुआत ही यहीं से होती है। मित्रों, यह संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, और उनके लिए भी नहीं जो यह नहीं जानते कि 80 और भाषा के बीच ननद भौजाई और साली बहनोई का रिश्ता है, जो भाषा की गंदगी, गाली, अश्लीलता और जाने क्या क्या देखते हैं, जिन्हें हमारे मोहल्ले के भाषाविद परम कहते हैं। परम भी यहाँ पे एक गाली है, लेकिन मैं आपको सुनाऊँगा नहीं, आप खुद पढ़ेंगे उसको। वे भी कृपया इसे पढ़कर अपना दिल न दुखाएं। तो सबसे पहले इस मोहल्ले का मुख्तसर सा बायोडाटा, कमर में गमछा, कंधे पर लंगोट और बदन पर जनेऊ, यह यूनिफॉर्म है 80 का। हालांकि बम्बई यहाँ पे एक कटाक्ष है, हालांकि बम्बई दिल्ली के चलते कपड़े लत्ते की दुनिया में काफ़ी प्रदूषण आ गया है। पैंट शर्ट, जीन्स, सफारी और भी जाने कैसी कैसी हाई फाई पोशाकें पहनने लगे हैं लोग, लेकिन तब जब कहीं नौकरी या जजबानी पर मोहल्ले के बाहर जाना हो। वरना प्रदूषण ने जनेऊ या लंगोट का चाहे जो बिगाड़ा हो, गमछा अपनी जगह पर अटिक है। इसके बाद दोस्तों, इसी पुस्तक में एक और व्यंग है जो लेखक श्री काशीनाथ सिंह जी अपने लिए लिखते हैं, जो उनके बारे में लोग बातचीत करते हैं, जो उन्हें लगता है कि शायद वो इस तरीके से उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि इधर सुनते हैं कि कोई बुढ़ऊ बुढ़ऊ से हैं काशीनाथ यूनिवर्सिटी के मास्टर, जो कहानियाँ फहानियाँ लिखते हैं और अपने दो चार बकलोल दोस्तों के साथ मारवाड़ी सेवा संघ के चौतरे पर राजेश ब्रदर्स में बैठे रहते हैं अक्सर शाम को। ए भाई, वो तुमको किधर से लेखक कभी बुझाता है जी? बकरा जैसा दाढ़ी बढ़ाने से कोई लेखक कभी थोड़े नु बनता है? देखा नहीं था दिनकरवा को? रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है। अरे वो है रामधारी सिंहवा, जब चदरा ओदरा कन्हिया पर तान के खड़ा हो जाता था 6 फुट्टा जवान, तब भह भह बढ़ता रहता था। और ई फिर यहाँ पे गाली है, ई और ई अखबार पर लाई दाना फैलाई के एक पूड़िया नून और एक पाव मिर्चा बटोर के भकोसता रहता है। कभी लेखक ऐसे होता है का? सच्ची कहे तो नामवर धूमिल के बाद 80 का साहित्य फाहित्य गया LKD। अब LKD भी एक शॉर्ट फॉर्म है गाली का। उपन्यास के प्राकृतिक एवं पारंपरिक मान्यताओं को कदम कदम पर ठेंगा दिखाता और जिंदगी और जिंदादिली से भरा यह एक अलग किस्म का उपन्यास है। इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता है इसके पात्रों की बेमुरव्वत और लठमार टिप्पणियाँ, जो इसे आने वाले कई दशकों तक निश्चित रूप से समसामयिक बनाए रखेगा। इस उपन्यास पे फिल्म भी बन चुकी है और वो खासा लोकप्रिय भी रही थी। फिल्म निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने 2018 में मोहल्ला 80 के नाम से फिल्म बनाई थी, जो इसी उपन्यास पर बनाई गई फिल्म है।
मुख्य किरदारों में सनी देओल, साक्षी तंवर, रवि किशन, सौरभ शुक्ला इत्यादि हैं। वैसे यह फिल्म 6 साल तक रिलीज नहीं हो पाई थी, कारण था राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। तो वैसे तो कोई कमी नहीं है इसमें, एक संपूर्ण उपन्यास है यह और संग्रहणीय है, ज़रूर आप पढ़ें इसको। लेकिन फिर भी एक आध ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये प्रीतिकर ना लगे शायद तब जब आपका कोई राजनैतिक जुड़ाव ना हो। थोड़ी बहुत भी अगर राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है, अगर थोड़ी बहुत भी आप राजनीति को समझते हैं, तो ये आपको अच्छी लगेगी किताब। लेकिन अगर आपका राजनैतिक बिल्कुल कोई जुड़ाव नहीं है, आप सिर्फ कथात्मकता देख रहे हैं और कुछ ऐसी कहानी को ढूंढ रहे हैं जिसमें एक नायक नायिका जैसे है, तो उसके लिए आपको काशी काशी से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए आपको उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इनकी रेहन पर रघु पढ़ें। दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि चूंकि यह संस्मरणीय उपन्यास है, इसलिए उपन्यास की कथात्मकता को लेखक खुद ही नियंत्रित करके चलता है और हो सकता है कि उस पर पाठकों का नियंत्रण थोड़ा ढीला ढीला सा लगे, क्योंकि संस्मरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक रचनाकार शुद्ध रूप से अपने तरीके से कहानी को बढ़ाता रहता है। तीसरी बात यहाँ पे है कि अगर आपको बोलचाल की गालियों से परहेज है और उत्तर प्रदेशीय और खासकर बनारसी अंदाज को न जानते हो, तो शायद इस उपन्यास की पठनीयता आपको ज़्यादा रुचिकर न लगे। लेकिन दोस्तों आप इसको ज़रूर पढ़ें। और अंत में इस पुस्तक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, काशी का 80 घर में ठेठ देसी तरीके से बनाया गया ऐसा काढ़ा है जो पीते वक्त शायद अप्रिय लग सकता है, पर है बड़ा ही पौष्टिक और सेहतमंद। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पुस्तक का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और अगर आपने यह पुस्तक पढ़ी हुई है तो आप अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य हमसे साझा करें। आपको कैसी लगी ये किताब हमें ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।